हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? सर्दियाँ थोड़ी बढ़ गई हैं तो अपना खास ख्याल रखिए, क्योंकि तैयारी करनी है आपको और बनना है ऑफिसर। तो इसी श्रृंखला में आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर ज्योग्राफी का चैप्टर। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भौतिक जो ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मैंने आपको सुनामी का चैप्टर पढ़ाया था, तो सुनामी में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर किए थे। उससे पहले हमने अर्थक्वेक की बात की थी, अर्थक्वेक कवर हो गया था। उसके बाद अब सुनामी स्टार्ट किया था और सुनामी में हमने काफ़ी चीज़ें कवर की थी। आज मैं सुनामी को फिनिश करूँगी और नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताया जाएगा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के बारे में, साइक्लोन के बारे में, ओशियन करेंट्स के बारे में, विंड्स के बारे में और ग्लेशियर्स के बारे में। ये सारा जो है वो पॉइंट नंबर 11 का पार्ट है, जो एक वास्ट पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अब शुरू करते हैं सुनामी का जो पार्ट 1 था उसका रिकैप थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमने सुनामी के बारे में पढ़ा था, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी थी हमने। फिर हमने कॉजेज देखे थे, एंड देन सुनामी के जोन्स देखे थे, कोर्सेस ऑफ सुनामी देखा था। कोर्सेस की बात थोड़ा सा मैं इस वाले वीडियो में भी करूँगी कि आप देखेंगे कि कैसे स्टार्ट होता है सुनामी और कहाँ तक, किस लेवल तक जाता है, इम्पैक्ट तक। तो डेफिनेशन में हमने देखा था कि ये जापानीज वर्ड है त्सू, एंड इसका मीनिंग होता है हार्बर और नामी, दोनों से मिलकर हार्बर वेव कहा जाता है सुनामी को। ये सिंपल जो वेव ज्वार भाटा होती है वो नहीं होता है, क्योंकि ये नीचे से एक एक्सप्लोजन होता है पानी के अंदर। एक्सप्लोजन का मतलब वो अर्थक्वेक से भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो डेफिनेशन हमने देखी थी, फिर हमने देखा था कि क्या क्या कॉजेज है सुनामी के, और फिर हमने जाना था कि कोर्स क्या है, कॉज क्या है, वो डिटेल में एक वीडियो के माध्यम से। देन हमने देखा था कि सुनामी के जो रीजंस है, एक एक करके हमने सारे रीजंस को समझा, लैंडस्लाइड्स को देखा, फिर वॉल्केनिक इरप्शन को देखा हमने, फिर मीटियोर्स और एस्ट्रॉइड्स जब टकराते हैं पानी में तब कैसे सुनामी आती है वो हमने समझा था, फिर एंथ्रोपोलॉजिक रीजंस भी हमने देखे थे, जिसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और इग्नोरेंस, अनअवेयरनेस, इलिटरेसी, केयरलेसनेस की बात की थी, और डेंजर जोन्स की भी बात की थी, जिसमें ये जो रेड एरिया है पूरा वो डेंजर जोन्स माना जाता है। उसके बाद मैंने आपको सजेस्ट की थी कि हिंदी डॉक्यूमेंट्री, आशा है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्री देखी होगी। और आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2, जो कि है पॉइंट नंबर 11 GS1 का, सुनामी का पार्ट 2 हम कर रहे हैं। तो सुनामी में हमने देखा था कि उसकी डेफिनेशन, कॉजेस, अब हम बात करेंगे कोर्सेस की, कि कैसे टेक्टोनिक से स्टार्ट होकर वो इम्पैक्ट तक कैसे जाता है। टेक्टोनिक का मतलब, क्योंकि सुनामी ज़्यादातर जो सुनामी होती है वो अर्थक्वेक से होती है, भूकंप से होती है, तो टेक्टोनिक इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हो गया। या तो वो वॉल्केनिक इरप्शन से भी हो सकती है, पर मेनली जो 70-80% ऑफ द सुनामी है वो भूकंप से होती है। तो भूकंप में क्या होता है, अर्थक्वेक आता है पानी की सतह के नीचे, उससे वॉल्केनो भी इरप्ट हो सकता है, वॉल्केनो फटता है जब, तो उससे भी पानी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो काफ़ी कम टाइम में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो पानी का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिससे कि बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी जनरेट होती है, ऊर्जा जनरेट होती है, जिससे कि बिल्ट होती है सुनामी, बिल्ट होता है सुनामी। बिल्ट होने में अर्थक्वेक की भूमिका होती है, भूकंप आता है और फिर प्रोग्रेसिव ओसिलेटरी वेव्स को जागृत होती हैं और प्रोपोगेट होती हैं ओवर द ओशियन सर्फेस इन एवर वाइडनिंग सर्कल्स एट स्पीड एज फास्ट एज 500 मीटर पर आर। 500 मीटर पर आर की रफ्तार से, स्पीड से पानी का जो बहाव होता है, ये ऑब्जेक्ट इन सर्कल, इस सर्कल के बहाव से वो बिल्ड होती है, फिर ये ट्रैवल करती है नीचे से ऊपर की तरफ
सर्कल में होते होते वो ट्रैवल करती है और सारी जो लहरें हैं वो ट्रैवल करने में 5 मिनट से 1 घंटे से ज़्यादा का भी समय इसमें लग सकता है। फोर्थ पार्ट है अप्रोच। जैसे जैसे सुनामी की वेव्स कोस्ट लाइन की तरफ अप्रोच करती है, सतह की तरफ, जो किनारे की तरफ, जो जहाँ पर लैंड मास है, जहाँ पर लोग रहते हैं, वो जब किनारे की तरफ वेव जब अप्रोच करती हैं तो उस स्टेज को अप्रोच स्टेज कहा जाता है। यहाँ पर जो है एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जो बहाव है वो बहाव के साथ साथ वो ऊंचाई है लहर की वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद होता है इम्पैक्ट, यानी फाइनली जो इम्पैक्ट है वो हमारे सामने नज़र आता है। हमें देखते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में पानी की का जो जाइंट वेव है, जो लहर है, वो आती है शोर लाइन पे, यानी कि सतह पे, सतह का से मतलब मेरा किनारे पे, किनारे पे जब ये बड़ी लहर आती है, सुनामी आती है, तो हम जानते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है इससे। पीपल एंड प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान होता है और हम आगे देखेंगे कि क्या क्या और हानिकारक हो सकता है सुनामी की वजह से, क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पॉजिटिव तो कुछ नहीं है, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ही हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो सम मेजर सुनामीज कौन कौन सी हैं, जो बहुत ही मेजर सुनामीज माना जाता है जिन्हें, तो आप देख सकते हैं 2004 की 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी इंडियन ओशियन में, वो बहुत ही फेमस सुनामी है। और हम जानते हैं कि इंदिरा पॉइंट हमारा उस टाइम पे सुनामी में डूब गया था। तो ये 2004 में हुई थी। देन ये सारे जो आप देख सकते हैं 11 मार्च को पैसिफिक कोस्ट पे जापान में अर्थक्वेक आया था और जिसकी वजह से सुनामी आती, तो जापान में अर्थक्वेक की संभावना भी सबसे ज़्यादा होती है और फिर सुनामी की भी, क्योंकि ये पैसिफिक कोस्ट पे भी है और पूरा कोस्ट लाइन से घिरा हुआ है। अब आप देख सकते हैं 1952 में कामचटका पेनिनसुला में भी सुनामी आई थी। फिर आप इस तरफ देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में कि अलास्का में 1964 में, 1946 में भी एलुशिन आइलैंड अलास्का में सुनामी आई थी, 57 में भी, एंड देन चिले में 1960 में। तो ये बहुत मेजर बड़ी बड़ी जो सुनामी आई थी उनका एग्जाम्पल है। तो आप कोट कर सकते हैं अपने रिजल्ट, अपने एग्ज़ाम में रिटन जब आप लिख रहे होंगे तो एक आध इसमें से एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। 2004 का तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको करना भी चाहिए क्योंकि इंडियन ओशन में थी, ठीक है। तो फिर हम आगे अब देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं सुनामी के। आपने जब पढ़ा था भूकंप तो उसमें भी मैंने बताया था कि क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, मेजरली वही पॉइंट्स रहेंगे और आप उन पॉइंट्स को रट लीजिए और उन्हीं पॉइंट्स को आप बस जहाँ जहाँ फिट कर पाते हैं, जैसे सुनामी में वो पॉइंट्स आएंगे पूरे के पूरे पॉइंट्स ऑलमोस्ट, तो उसमें आपको ज़्यादा डबल इफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, पॉइंट्स वही रखिए, बस उसको एलैबोरेट करते हुए सुनामी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो आना चाहिए आपको। तो अपना माइंडसेट जो है ऐसा बना के रखिए कि आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना है, पॉइंट्स आपके पास होंगे तो आप लिख सकते हैं आंसर, क्योंकि इतना बड़ा, इतना वास्ट सिलेबस है कि एक एक चीज़ को पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो इफ़ेक्ट्स में हम देखते हैं कि लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हम जानते हैं कि ह्यूमंस का, प्लांट्स का, इंसेक्ट्स का, इनका लॉस होता है सुनामी के दौरान। एक फैक्ट है कि 1850 से लेकर अब तक 430,000 लाइव्स को हम गंवा चुके हैं सुनामी की वजह से। तो सुनामी क्योंकि एक ऐसी जो डिज़ास्टर है, ऐसा डिज़ास्टर है जिसको हम पहले से भी वार्निंग दे सकते हैं, क्योंकि भूकंप का हमें पता चल जाता है और आने में थोड़ा सा वक्त लगता है सुनामी की लहरों का तट तक, तो उस टाइम पे हम प्रिवेंटिव हो सकते हैं, हम बचा सकते हैं लाइफ को, पर फिर भी बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन रिसोर्स, इन सब की लॉस हुआ है हमें काफ़ी और सुनामी की वजह से होता भी है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस, इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस में आप होम्स, ऑफिसेस, रोड्स, ब्रिजेस, फिर बोट्स, क्योंकि पानी होता ही है सी में, बोट्स होती हैं, बड़े बड़े क्रूज होते हैं, फेरीज होती हैं, वो सब लॉस्ट होती हो जाती हैं, लॉस हो जाता है उनका।
फिर कार्स हैं, फिर हमारा सीवर सिस्टम है, हमारे पावर लाइंस हैं, वो सब डैमेज हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे मास ऑफ वाटर है वो जो है हमारा वेस्ट हो जाता है, जो पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर और वॉट एवर वी यूज़ इन डेली लाइफ, वो वाला पानी क्योंकि सी वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो उसकी वजह से वो पानी का वेस्टेज होता है। फिर इसके अलावा ह्यूज कॉस्ट इनके साथ साथ इन सब चीज़ों में जो ह्यूज कॉस्ट लगा होता है वो पूरी तरह से वेस्ट होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस भी एक बहुत बड़ा लॉस है सुनामी के दौरान। उसके बाद हम बात करते हैं एनवायरमेंटल लॉस की। एनवायरमेंटल लॉस भी एक बड़ा लॉस है। इसमें जो है लैंडस्केप में परमानेंट चेंजेस होने की संभावना होती है, ये लैंडस्केप में चेंज हो सकता है सुनामी की वजह से। इसके अलावा ट्रीज और हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय होते हैं, ट्रीज और हैबिटेट्स नष्ट हो जाते हैं इसकी वजह से, कुछ कुछ हैबिटेट्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं सुनामी की वजह से। इसके अलावा कंटामिनेशन होता है वाटर का, वाटर सप्लाई का, जो वाटर सप्लाई जो मैंने अभी बताया पीने का पानी, जो डेली यूज़ का पानी है वो मिक्स हो जाता है सी वाटर में, तो वाटर का कंटामिनेशन होता है, पीने लायक पानी नहीं बचता है। तो उस सिचुएशन में एक इन्वायरमेंटल लॉस भी है कि पानी का वेस्ट हो रहा है। फिर सॉलिड वेस्ट डेबरीज, जो जितने भी घर और जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स, रोड्स, वो सब वेस्ट होते हैं, उनकी डेबरीज जो है वो सॉलिड वेस्ट इधर उधर हो जाता है, तो वो भी एक बड़ा लॉस है। फिर टॉक्सिक वेस्ट जो है, हैजार्डस मटेरियल जैसे ऑयल स्पिल्ट हो जाता है, इंडस्ट्रियल केमिकल, सीवेज, ये सारी जो इश्यूज हैं, ये सारे जो मटेरियल हैं वो फैल जाते हैं, उसकी वजह से कंटेमिनेशन होता है सॉयल का भी और वाटर का भी। तो जो हानिकारक की जो वस्तुएं हैं जैसे तेल है, इंडस्ट्री का केमिकल है, सीवेज है, इनका कंटेमिनेशन होता है। इसके बाद सलाइनेशन भी हो सकता है लैंड का, जिससे कि एग्रीकल्चर पर, कृषि पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो आप ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। फिर हेल्थ इश्यूज़ भी, हम जानते हैं कि जब एक सुनामी आती है उसके बाद काफ़ी टाइम तक भी ये हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जैसे कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, जब हम ड्रिंक करते हैं कंटेमिनेटेड गंदा पानी जो होता है उसको यूज़ करने से बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, मलेरिया हो सकता है। उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें डिप्रेशन, होमलेसनेस, अलोन फील करना, वो सब साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगी हेल्थ इशू में ही रेडिएशन की प्रॉब्लम, जो फुकुशिमा पावर पॉइंट जापान में जब हुआ था, सुनामी आई थी, तो रेडिएशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो यही जो पॉइंट्स हैं हमने कवर किए अभी इफ़ेक्ट्स में, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, और आपको बस इतना याद रह गया तो आप आगे के पॉइंट्स भी अपने आप लिख सकते हैं। सुनामी में डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे करें? वी नो दैट अर्ली वार्निंग सिस्टम इज़ देयर, हमारे यहाँ इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम भी है, पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम भी है जो पैसिफिक ओशियन के लिए है। इसके अलावा इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर भी है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसको कहते हैं इनकॉयस, इसका मेन ब्रांच है हैदराबाद में। तो ये एक बड़ी संस्था है जिससे सुनामी के बारे में अर्ली वार्निंग, समय से पहले वार्निंग मिल सकती है, जिससे कि हम उपाय कर सकते हैं, डिज़ास्टर को मैनेज कर सकते हैं। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सारे पॉइंट्स जो हैं वो भूकंप में भी कवर किए गए थे, तो ये सारे पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स हैं। मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि ये एक बार आप याद कर लेंगे, एक बार आपके दिमाग में आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आप किसी भी तरह की कैलामिटी, किसी भी तरह का डिज़ास्टर है उसको मैनेज करने के लिए ऐसे पॉइंट है जो आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये बड़े बड़े रिपोर्ट्स में, यूनेस्को की रिपोर्ट में या और कोई गवर्नमेंटल रिपोर्ट है उसमें इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, तो आप ये पॉइंट्स हमेशा तैयार रखिए जब भी कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्रश्न आता है। तो सबसे पहले प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए,
कोई भी चीज़ को समझने के लिए शोध की ज़रूरत होती है, शोध और विकास की ज़रूरत होती है। तो अगर उस शोध और विकास अच्छे से होगा तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग हो पाएगी। तो प्लानिंग एक अच्छी तरह से होनी चाहिए। फिर इंटेंसिव प्रोफेशनल एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए ऑफिशियल्स की भी और आम जनता की भी, कि मॉक, जो मैंने यहाँ अवेयरनेस जनरेशन की बात की है, मॉक्स होने चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, यूएन वॉलंटियर्स की। एंड यहाँ पर जैसे जो प्रोन सिटीज़ हैं, सुनामी प्रोन सिटीज़ हैं, जो सी एरिया पर जो सिटीज़ हैं, उनको ट्रेनिंग देने की बहुत ज़रूरत है, उनको मॉक्स देने की बहुत ज़रूरत है। फिर कोलैबोरेशन की भी ज़रूरत है। जो देश इन सब कैलामिटीज से बाहर, डिज़ास्टर से बाहर आसानी से निकल पाते हैं, उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है, उनसे कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है, उनसे मैनेज करने के एफर्ट्स को सीखने की ज़रूरत है। तो कैसे हम उनसे सीख सकते हैं, वो चीज़ें आनी चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए। और हम कुछ पॉइंट्स हैं ये आगे, जिसमें कि हमने सेफ्टी रूल्स बताया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यू शुड नो कि क्या क्या सेफ्टी रूल्स होने चाहिए। और ये इस तरह के सेफ्टी रूल्स हमें ऐसे इलाकों में जहाँ पर सुनामी की संभावनाएं रहती हैं, वहाँ पर इस तरह के सेफ्टी रूल्स सबके पास होने चाहिए। एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि जिसमें कि इन सारे सेफ्टी रूल्स को उनको समझाया जाए, उनको मॉक कराया जाए, उनको घर जा जाकर उनकी खुद की रीजनल लैंग्वेज में, उनकी देशी, जो उनकी देसी भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें उनको समझाया जाए ताकि उनको समझ में आए। तो ये आपके सामने एक, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये PTWC यानी कि पैसिफिक सुनामी वार्निंग सिस्टम जो है, नेटवर्क है, सेंटर है, उसका मैसेज आया हुआ है। उसी तरह से इंडियन ओशन का भी है, तो वो मैसेज के थ्रू इस तरह से वार्निंग दी जाती है। तो मैसेज भी हो सकता है, वो ईमेल भी हो सकता है, इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, और भी अलग अलग वे में मीडिया के द्वारा ये वार्निंग दी जा सकती है। तो हमने आज देखा कि क्या कोर्स है, किस तरह से सुनामी पॉइंट वन से लेकर इम्पैक्ट तक जाती है, स्टार्टिंग से लेकर इम्पैक्ट तक। फिर हमने कुछ मेजर अर्थक्वेक्स जो आए हैं अब तक, उनके बारे में जाना। फिर हमने थोड़ा सा इफ़ेक्ट्स को जाना, उसको काफ़ी डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड है कि आप अगर मान लो कहीं सुनामी आई है तो आपको ये वाला पार्ट होना चाहिए क्लियर, इफ़ेक्ट्स का और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। ये क्योंकि ये जो पेपर है, होगा मेंस का, वो होगा लिखने के लिए, मतलब वो क्वालिटेटिव है, उसमें क्वांटिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको पॉइंट्स बहुत सारे पता होने चाहिए। आप उन पॉइंट्स को दो लाइन में भी लिख सकते हैं और उनको 50 लाइन में भी लिख सकते हैं, ऐसी एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो ये है इफ़ेक्ट्स। फिर मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में किया। आपको इनमें से किसी भी पॉइंट्स को और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। तो देखते रहिए हमारा चैनल सक्सेस मंच, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। और हमारे साथ यूं ही बने रहिए, देखते रहिए सक्सेस मंच। थैंक यू सो मच।